हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ आसुस का एक्सपायर बुक B9 OLED, B56 OLED, B54 एंड B54 ब्लेव। इस तरह से मैं 4 मॉडल्स के बारे में बात करने वाला हूँ एंड चारों के अंदर का ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन जो है हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि चारों के अंदर हमें सेम, यानी कि हमें इंटेल का जो लेटेस्ट जनरेशन, यानी कि हमें जो 13th जनरेशन प्रोसेसर है, जो कि हमें बी प्रो प्रोसेसर जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं चारों के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें जो स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलता है, जो कि हमें 1.57 लाख रुपीज़ से लेकर 2.17 लाख रुपीज़ के बीच में हमें फिर चारों मॉडल्स जो है देखने को मिलेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चारों के प्रोसेसर के बारे में, तो फ्रेंड चारों मॉडल्स के अंदर हमें जो प्रोसेसर है, जो कि हमें इंटेल का कोर i3, i5 एंड i7 तीनों प्रोसेसर्स के साथ जो सीरीज़ है, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है। एंड इसके अंदर हमें जो विप्रो वाला मॉडल है वो भी देखने को मिलेगा। हालांकि जो विप्रो वाला मॉडल है, जो कि हमें i5 एंड i7 के अंदर ही जो हमें देखने को मिलने वाला है। एंड कुछ मॉडल्स के अंदर हमें ओनली i5 एंड जो i7 प्रोसेसर है वही देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इसकी GPU के बारे में बात करो तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें इंटेल का जो आयरिस एक्स ग्राफिक्स वाला जो मॉडल है एंड साथ ही में जो इंटेल का हमें USD ग्राफिक्स है, ये दोनों GPU जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करते हैं मॉडल के ऊपर। हालांकि कुछ मॉडल के अंदर हमें ओनली इंटेल का जो आयरिस एक्स ग्राफिक्स है वही देखने को मिलेगा एंड कुछ मॉडल्स के अंदर हमें 2 ग्राफिक्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं इसके रैम के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें अप टू 64 GB की हमें DDR5 रैम जो है हमें देखने को मिलने वाली है। मतलब सभी के अंदर हमें DDR5 रैम जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर भी हमें जो जनरेशन 4 की जो SSD है वो देखने को मिलेगी, जो कि हमें अप टू 2 TB के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड साथ ही में हमें RAID 1 का सपोर्ट भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको 256 GB, 512 GB, 1 TB एंड 2 TB, इस तरह से आपको 4 डिफरेंट SSD ऑप्शंस जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर हमें डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो सभी के अंदर हमें डिफरेंट डिस्प्लेस जो है हमें देखने को मिलेगी। जिस तरह से फ्रेंड, हमें आसूस का जो B9 OLED वाला मॉडल देखने को मिलता है, जिसके अंदर में 14 इंच 2.8K OLED स्क्रीन देखने को मिलती है। एंड जो डिफरेंट मॉडल, यानी कि हमें जो एक्सपर्ट बुक B5 देखने को मिलता है फ्रेंड, इसके अंदर भी हमें 16 इंच की जो 4K OLED जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब ओनली हमें स्क्रीन साइज का ही जो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड जो आसूस का हमें एक्सपर्ट बुक B54 सीरीज देखने को मिलता है फ्रेंड, इसके अंदर हमें टच डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि हमें 14 इंच की हमें फुल HD डिस्प्ले जो है हमें देखने को मिलेगी। यानी कि 2 मॉडल्स के अंदर हमें 2.8K डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड एक मॉडल्स के अंदर हमें जो फुल HD डिस्प्ले है वही देखने को मिलेगी। एंड अगर हमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स एंड अदर फीचर्स, जैसे कि वीडियो कैमरा, वायरलेस, ऑडियो, वेट, डायमेंशन, बैटरी बैकअप, जैसे अदर फीचर्स जो कि हमें ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप्स के अंदर हमें सेम ही देखने को मिलते हैं, डिपेंड करते हैं लैपटॉप की डिज़ाइन के ऊपर। तो फिलहाल इन चार मॉडल्स के बाद में इतनी ही स्पेसिफिकेशन एंड जो फ्यूचर्स से वही देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, और बिगस के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।